चाहें, बहुत चाहें। इसीलिए जिंदगी में आपका एक मकसद होना जरूरी है। विदाउट बिना मकसद के, खास करके लड़कियों के लिए, बिना मकसद के बेटा कुछ नहीं हो पाएगा आज की डेट। उन्होंने बहुत लाइटली लिया, फिर अचानक जैसे ही मेरा सीए निकला तो मुझे जुनून था, मेरा जुनून मकसद एक उद्देश्य, जैसे इन्होंने कहा एक उद्देश्य होना चाहिए लाइफ का, मेरा उद्देश्य था कि कोचिंग क्लास खोलना और बच्चों को पढ़ाना। ठीक, मैंने जाके कोचिंग क्लास खोली, तो सडनली उन सर का कॉल आया मेरे पास फोन पे, बोलते हैं दीपा तुमने अभी अभी कोचिंग क्लास खोली, आ जा मेरे साथ आके मिल के हम पढ़ाते हैं। मैंने कहा सर अभी मेरे को अकेले में काम करने दो, अगर मैं असफल हुई तो मैं पहला आपके पास रखूंगी। तो उन्होंने भी लाइटली लिया, फिर हम लोग चलने लगे। एक दिन ऐसी सिचुएशन आई कि हम दोनों सेम सर्कमस्टेंसेस पे काम कर रहे थे, मतलब जितना स्ट्रेंथ उनके पास थी उतनी ही स्ट्रेंथ मेरे पास। और उन टीचर का, उन सर का, उन सर का नाम था सिद्धार्थ सर, उन सीए बनाने में उनकी हेल्प बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। इसीलिए मैं बोलती हूँ कुछ ठानो और उसको कर बुझो। जिंदगी में आपका एक मकसद होना जरूरी है। विदाउट बिना मकसद के, खास करके लड़कियों के लिए, बिना मकसद के बेटा कुछ नहीं हो पाएगा आज की डेट। ठीक, अभी से ही 9th, 10th, 11th, 12th से सोच लो कि हमें करना क्या है, और जो ठानो उस पर आगे बढ़ो, उसके पीछे मत देखो। आपके अगर आपका अच्छा लक्ष्य है, ऊपर वाला भी आपको हेल्प कर बनने, समझ रहे हो ये चीजें। ठीक, तो अभी से ही 9th, 10th, 11th, 12th से ठान लो उस चीज को कि करना क्या है, हमें करना क्या है। मैं मम्मी को बोलती थी, मम्मी का ही का हम कब लेंगे, तो मम्मी बोलती थी ले लेंगे ना, क्या दिक्कत है। और आज आपको मैं बताऊं, मैं भोपाल की जानी मानी, बोला जाता है कि लोग मुझे दीक्षिका के नाम से जानते हैं, अरे ये है दीक्षिका, आज मेरा वो सपना पूरा हुआ है। हाँ, मेरे मम्मी पापा को मेरे नाम से जानते हैं, अरे ये दीक्षिका मैडम से मम्मी जा रही है, दीक्षिका मैडम के पापा। पहले तो अपना एक उद्देश्य डिसाइड कर लो, आखिर आपको करना है। सीए जर्नी स्टार्ट होने से लेकर सीए फाइनल होने तक आपको लगते हैं 4-4.5 साल। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होते गए तो आपका 4.5 साल में सीए कंप्लीट हो जाता है। कई बच्चे ऐसा भी ऑप्शन ऑप्ट करते हैं सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट, यानी सीए की दो स्टेजेस कंप्लीट करने के बाद आप क्या बन जाते हो, हाफ सीए, मिनी सीए। हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया सीए को, आधे सीए को भी रिकॉग्नाइज करता है, उसको एक सर्टिफिकेट देता है, अकाउंटेंसी टेक्नीशियन सर्टिफिकेट, इट मींस एटीसी। जैसे ही अगर आपके पास एटीसी है, एटीसी का मतलब ही होता है हाफ सीए। इनफैक्ट टीचर्स भी अगर कुछ हो तो ऐसा आप अपना प्रोग्राम बनाओ कि आप पढ़ते पढ़ते आप हाफ सीए तो बन सकते हो, क्योंकि जैसे ही आप आधा सीए बन जाते हो आपको बहुत नॉलेज आ जाता है, आपको टैक्सेशन मैटर पर नॉलेज आ जाता है, आपको कॉस्टिंग पर नॉलेज आ जाता है, आपके अकाउंट्स में कमांड बहुत अच्छी हो जाती है। तो या तो आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर कंप्लीट फुल सीए और कंप्लीटेड हाफ सीए। आधे सीए बनने का ड्यूरेशन रहता है 2 साल और फुल सीए बनने का ड्यूरेशन रहता है अपना 4.5 साल। ये है कॉमर्स का सबसे बेस्ट फील्ड, जो टॉप प्रायोरिटी पे फील्ड आता है, जो हम लोग भी हैं। अगर आप लोगों को करना है तो आप कर सकते हो। कॉमर्स स्ट्रीम में दूसरा आता है कंपनी सेक्रेटरी, सीएस। कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स ड्यूरेशन 3.5 साल का होता है। सीएस एज कम्पेयर टू सीए थोड़ा इजी रहता है, क्योंकि सीए में प्रैक्टिकल पोर्शन ज्यादा होता है और सीएस में थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत ज्यादा होता है। थ्योरेटिकल पोर्शन सीएस की भी सेम 3 स्टेजेस होती है, सीएस फाउंडेशन, सीएस एग्जीक्यूटिव एंड सीएस प्रोफेशनल। समझ आ रहा है कि बाउंसर जा रहा है बच्चे, वो मुझसे आके इस सेशन के बाद आके अलग से मिलना, मैं आपको पूरी डिटेल बता दूंगी, ठीक है, उनको समझ आ जाएगा। बाकी 9th, 10th वालों को तो अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन
समझ समझना है सब कुछ। बेटा मैं हर साल आपके पास आऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस लाइफ का एक मकसद डिसाइड करो, और आपने जो लाइफ का मकसद डिसाइड किया उसको पीछे मत जाओ। जो आपने डिटरमाइन किया, इनफैक्ट मैं बोलूँ ना, कौन बोलता है कि सिर्फ पढ़ाई से कुछ होता है। अगर आपको स्पोर्ट में इंटरेस्ट है ना, 100% डेडिकेशन स्पोर्ट्स में दो। देखो सचिन को फॉलो करो, अगर आपने उस गोल को फॉलो किया ना, देखना आप बहुत आगे जाओगे। अगर आपका म्यूजिक में इंटरेस्ट है, म्यूजिक में जाओ। अगर आपका खेल में इंटरेस्ट है,